महेश्वर के सहस्त्रधारा नेचुरल ट्रैक पर सोमवार से खेलो इंडिया के अंतर्गत कैनो स्लालम नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसे जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने सुबह 9:30 बजे सहस्त्रधारा स्थल पर फीता काटने के पहले तिरंगा बैलून आसमान में छोड़ा। इसके बाद वीआईपी टेंट से खेलो इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप को अधिकारियों ने निहारा। नेशनल चैंपियनशिप में सबसे पहले अंडर 18 में C1 महिला वर्ग की प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें 9 राज्यों की महिला खिलाड़ियों ने सहस्त्रधारा की तेज धारा में अपना हुनर दिखाया, जिसमें भोपाल एकेडमी की मानसी बाथम ने सबसे कम समय 128.596 सेकंड में गेट पार किए, जिससे गोल्ड मेडल मिला। वहीं दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रीति पाल ने 491.172 सेकंड में गेट पार किए और तीसरे नंबर पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाली ब्रिति मारिया कर्नाटक ने 559.120 सेकंड का समय लिया। महिला वर्ग के बाद पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता शुरू हुई। मध्य प्रदेश शासन की खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया दोपहर में सहस्त्र धारा के नेचुरल ट्रैक पर नेशनल पहुंचेंगे। यह चैंपियनशिप खेलो इंडिया एक अवसर भी है ऐसे सैकड़ों युवा खिलाड़ियों के लिए, जो कम संसाधनों के बावजूद अपने हुनर में माहिर है, जो बिना कोचिंग और सुविधाओं के बगैर अपने जौहर छोटी छोटी प्रतियोगिताओं और स्थानीय स्तर पर खेल दिखाकर कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं। खेलो इंडिया में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है भारत सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? थैंक यू। अभी तक रिजल्ट आउट नहीं करा है, पर अभी मैं फर्स्ट चल रहा हूँ पहले राउंड के बाद। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं K1 चलाता हूँ, जूनियर अंडर 18 कैटेगरी। अंडर 18 कैटेगरी में K1 जूनियर? यस। ओके, और मतलब आपकी फैमिली में कौन क्या, मतलब फादर क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब। मेरी मम्मा बिजनेस वूमेन है। अच्छा, और ये फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, ये खेल कैसे चुना आपने? ये खेल मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं इसके साथ साथ स्विमिंग भी करता हूँ, तो स्विमिंग के साथ मुझे ये वाला खेल दिखा। फिर इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, तो फिर मैंने अपना पूरा फोकस इस गेम पर शिफ्ट किया। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।